कितना पैसा बन जाता है ऐसा आइडिया महीने का? भाई चढ़ जा, रफ आइडिया कितनी सैलरी हो जाती है अगर सऊदी अरब चलते हैं? ये चखना होता है ड्राइवर लोगों का। वो पहला पै गया। और बातें पता क्या, दुनिया की कोई भी गाड़ी देखनी है ना, नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं भाई। सुबह सुबह उठ के जो भूख लगती है ना, जहाँ जहाँ जाते हैं ना वहाँ वहाँ लाइटें ऑन होती हैं अपने आप। सत श्री अकाल एवरीबडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। सुबह सुबह उठ के ना क्रेविंग हो रही कि भाई साउथ इंडियन वो परौंठा, मारवाड़ी परौंठा, और साथ में कुछ हो जाए चाय। भाई हनी बोलता है मैंने खाई नहीं कभी। तेरे स्टोरियों के चक्कर में ना ठंडे हो जाएंगे भाई। मुँह भी धोता है ना, पहले स्टोरी बनाता है स्नैपचैट की, फिर बाद में खाता है। तुम्हारा अंडे का बुर्जी भी स्वाद था भाई, बहुत बढ़िया लगा भाई ने नाश्ता कराया, थैंक यू। हाँ 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 हाँ, चाहे तो मेरे को जितनी मर्जी पिला दो ऐसे वाली, मजा ही है मजा ही है। हाँ ये भाई लोग मिले यहाँ से, आपका इलाका कौन सा है? पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान। ये पाजी की अपनी गाड़ी है भाई की, और आप ऐसे काम कहीं तैयार करते हो, फिर काल आता है? काल आता है, कोई इधर आ जाता है, कोई इधर ही आ जाता है, फिर आपको लेके जाएगा। कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। ये 25 साल का है। कितना पैसा बन जाता है ऐसा आइडिया महीने का? पहले भाई ज्यादा बन जाता, 10,000-15,000। अभी क्या हो गया? अभी बिजनेस डाउन है, हर चीज डाउन है पूरा, आपको पता है मार्केट स्लो है यहाँ पे, मार्केट स्लो है। फिर सारा दिन इधर बैठे, अगर काल आया जाएंगे नहीं तो फिर वापस आ जाएगा इधर, ऐसा ना नहीं है अगर बैठा हुआ है। क्या मोस्टली क्या लोड होता है ज्यादातर? सामान लेकर सामान है, कार्टून है, कोई बिजनेस का मूविंग करते हैं ये लोग, किसी का सामान लेके जाते हैं इधर से इधर। जब तक मैं दुबई में था ना, कोई खाली होगा जिस दिन मैं ट्रक के ऊपर निकला हुआ हूँ काम पे, और मैंने ये वाला नाश्ता नहीं किया होगा। मतलब कि अंडा चाहे मिले ना मिले, परांठा चाहे। और ऐसे वाले जो ब्रेकफास्ट होते हैं ना, बड़े सस्ते हैं दुबई में, आप कहीं से भी खा सकते हो। ऐसे ही बोल रहा हूँ नॉलेज के लिए, कि दो बंदे दो परौंठा, चार परौंठे, चार अंडे की भुर्जी और तीन चाय, 17 दिरहम, 17.5-6 डॉलर हो गए। लेकिन ऐसी लोकल जगहों में अगर थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड अप करते हो फिर पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अपने को तो स्वाद चाहिए या सुकून चाहिए, बस जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे सही है। अजी क्या मांगता है? दुनिया हनी। दुनिया क्या मांगता है? दुनिया। मैंने सोचा था बहुत सारे बंदे यहाँ नहाते होंगे तो हम भी जाके स्विमिंग पूल में मजा ले लेंगे, लेकिन हनी तो अकेले कोई सारा मोर्चा संभालना पड़ेगा। जल्दी से छलांग लगा और पहुंच नीचे। लोगों ने बोला पहली बार ऐसे बंदे देखे जो टी शर्ट पहन के नहा रहे हैं। यार मैं टी शर्ट गंदी की, मेरी टी शर्ट गीली होगी। फोटो खींच दे, फोटो खींच दे। गर्म पानी आ जा, पैसे पूरे हो गए, होटल वालों ने बांह से पकड़ के निकालना तेरे को, इतना ही बहुत, इतने पैसों में इतना कुछ ही आएगा। क्या नज़ारा है भाई, सारा शहर दिख रहा है यहाँ से, सारा शहर। 15 फ्लोर के ऊपर है, 15 तो वैसे बहुत कम है दुबई के हिसाब से, लेकिन मजाक कर रहे हैं यार। हमने वो पुरानी वाली आते छोड़ दी है होटलों में से सामान उठा के लेके जाने वाली, ठीक है बहुत हो गया। रेडी हो गए भाई, चेकआउट करेंगे निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच भाई, रात को तुमने हमारा बहुत साथ दिया, और हनी को बार बार जिला इस वॉशरूम ने। जानी थैंक यू करके वॉशरूम को, 3-4 केले खा लिए हनी ने भाई, अभी काम सेट है। इसको मैंने लाल टी शर्ट डालने को कहा, ये देखो लाल टी शर्ट डाली ना आज इसने, मैंने बोला तेरा फायदा होगा। यहाँ पे गाड़ी ज़्यादा स्टार्ट रखने की जरूरत नहीं पड़ती, 2-3 मिनट में RPM लेवल नीचे गिर जाता है, गर्मी बहुत है यहाँ पे यार। कितनी भी महंगी गाड़ी है, लैंड क्रूजर कितना भी लेवल अच्छा है, टोयोटा की एक चीज़ सबसे बुरी लगती है, इंटीरियर जिंदगी में हमेशा सिंपल रखेंगे ये। ओ यार नेटिंग चलता है। अरे यार तेरे को नहीं लेके जाना, बाय बाय टाटा बाय। शुक्रिया भाई, आपने भाई बहुत इंतजार किया, कितना टाइम हो गया? 11 बजे। सॉरी यार, आ रहे बाहर आ रहे। 2-3 हमारे भाई वेट करके चले गए यार, उनसे दिल से सॉरी है, मेरे से फोन नहीं उठाया गया उनका, फक्कर बंदे हैं भाई, यहाँ पे रूम मिलता है वहाँ पे रुक जाते हैं रात को। भाई आपके अबू क्या करते हैं? दुबई पुलिस में काम करते हैं। ध्यान से भाई, दुबई पुलिस से जान पहचान है अपनी। इसका भाई क्या बोलता है?
बोलते मैंने बोला था मैं सर से मिलने जा रहे ना, बोलते यकीन नहीं, और मैं बोला आपको फोटो खींच कर भेज दिखाऊंगा। हम ही आम ही इंसान है यार, आम के लिए आम है, खास के लिए भी आम ही है, तो हम आम ही इंसान है भाई। देखो इसमें एसी लगा हुआ है, जूस ले रहते हैं हमारे। मेरी तरफ क्या देख रहा है भाई, मैं इसको बोल रहा हूँ भाई कुछ तो बोल अपनी तरफ से। ये शारजा है भाई, शारजा। ऐसे गाड़ियां पार्क होती हैं, जहां जगह मिलती है वहां पार्क करके फिर यहां पे अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सारी वॉल्वो ही खड़ी है, किसी ट्रांसपोर्ट की वॉल्वो है। वॉल्वो का पूरी दुनिया में बोलबाला है, हर जगह में। अभी कनाडा में देखो वहां पे वॉल्वो है, लेकिन वहां पे मर्सिडीज नहीं है, यहां पे मर्सिडीज है। हनी बोलता कि मैंने व्लॉगिंग करनी है, मैंने बोला ले कैमरा संभाल चल। उन्होंने नींद आई जाती भाई, मैं की बोलना बोलो दे विच कैमरे ही देख के बोल भाई। क्या बोलूं क्या मैं बोलूं? देख भाई के पास में ग्रीन कलर का वॉल्वो ट्रक है, तो मैं दुबई के ट्रक को अपने कैमरे में कैद करना चाहता हूं, लेकिन इस बार आए तो आपको तो मालूम है कि ट्रकों वालों की जान जहां कारों में बसती है, जहां हमारी जान ट्रकों में बसती है। अलमराका बिल्डिंग बाय डीआईसी। हेलो मेरे भाई, यूट्यूब दे वेने ने आज मेरे की बड़ी खुशी भाई। वेट ब्रो, भाई तू ही लाया भाई, की चक्कर पै गया ही? मैं देखा, मैं पता नहीं किधर अंदर चले गए, तो मैं ऑन के मिल के जाऊंगा। इनको मालूम नहीं था कि हम कहाँ पे, गाड़ी देख के अंदर गए और ये लगा के गया कि भाई वेट करो। मैं भी उसको देखा है भाई ने। ये भाई अपने को गुरुद्वारा साहब में मिला था ना कल, इसने मेरे को बोल दिया कि मेरे पास ग्रीन वॉल्वो है, मेरे कान खड़े हो गए। मैं बोला भाई ग्रीन वॉल्वो, इसका नंबर मैंने ग्रीन वॉल्वो के साथ में सेट कर लिया, स्टार्ट मैं ही करूंगा लेकिन चलाएगा भाई। भाई चढ़ जा, चढ़ जाओ भाई, मालक को पूछना पड़ेगा। कनाडा में तो आपने वॉल्वो मेरे चैनल के ऊपर देखा हुआ है, लेकिन मैंने भी दुबई में कभी वॉल्वो चलाया नहीं। हमारे पास में थे मर्सिडीज। बढ़िया भाई तेरा ट्रक अंदर से। ये भाई हवा की सुई है, ये इनके डेप की सुई है, एड ब्लू नाम है उसका। अपनी मर्जी होती है रखो चाहे ना रखो, कोई रूल कुछ नहीं है, इलीगल नहीं है, कुछ नहीं इलीगल। अपने बस हैंड ब्रेक छोड़ के अभी गाड़ी को गियर डाल के चलाना है बस। वॉल्वो है भाई 420, सिंगल डिफरेंशियल है इसको यहाँ पे बोलते हैं। फोर एक्सल गाड़ी है ये, ट्राई एक्सल है मगर, लेकिन सुपर सिंगल टायर है इसके, डबल टायर नहीं है। लेकिन हमारे कनाडा की तरह इसको यहाँ पे एयर बैग लगे हुए हैं देखो। लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो आपको ट्रक मिलेंगे ना वो कमानियों वाले मिलेंगे, जहाँ पे स्प्रिंग लगे होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। कोई आरपीएम नहीं मिलाना पैदा, जैसे कनाडा में होता है भाई आरपीएम से गियर डालने पड़ते हैं ना, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई। पूरा प्लेयर है हमारे काम देखो, वो पाजी हमको मिलने के लिए आए, पाजी ने उसको दूध लेने भेजा, मैंने उसको बैटरी लेने के लिए भेज दिया। साथ में हनी को भेजा, मैं हनी बैटरी ले गया, बैटरी डाउन हो गई भाई। वॉल्वो है ये, एफ एच है, एफ एच सीरीज पाजी 1992-93 में शुरू हुई है। F10, F12, F M भी आई थी, वो जो छोटे छोटे से होते थे ना, छोटे छोटे कैबिन। अभी ये भाई बूस्टर वाले ट्रक है, इसमें चढ़ना भी कितना मुश्किल है, वो ऊपर तक चढ़ के जाना पड़ता है। ये भाई चलते हैं अपने सऊदी में, सऊदी कतर। हाँ जी, ये ट्रांजिट की पेड़ इसलिए लगती है ना, अगर आप सऊदी से आगे जाना चाहते हो फिर ये चाहिए, लाजम चाहिए। जो मोस्टली नए लाइसेंस बनाते हैं ना वो ज्यादातर बाहर ही चलती है, कंपनियां लोग रखती नहीं इतनी जल्दी, लोकेशन की प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, बहुत प्रॉब्लम होती है। दुबई में अभी तक ट्रक का मैप नहीं लॉन्च हुआ। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है। गूगल बाबा को रिक्वेस्ट करेंगे भाई ट्रक का मैप लॉन्च करो यहाँ पे। सबसे ज्यादा जिंदगी में मुश्किल लोकेशन की पड़ती है दुबई में, अगर अंदर किसी के 165 मंजिल के पास में जाना ट्रक लेके, नहीं नया बंदा नहीं जा सकता। एक ब्रिज के ऊपर 18-18 भाई 17-17, 15-15 एग्जिट निकल जाते हैं 1 किलोमीटर के अंदर अंदर, मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ घुसना है। आ जाओ ट्रक का थोड़ा मुआयना कराते हैं आपको। ये 420 मॉडल है, 440 और 460 भी आ गया भाई। वॉल्वो की एक प्रॉब्लम है, जैसे टोयोटा की प्रॉब्लम है ना, वॉल्वो की भी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी जो वॉल्वो 2023 आएगा आपके पास, उसकी जो आगे वाली स्क्रीन होगी वो डिजिटल होगी, ये सारे मीटर खत्म हो जाएंगे, सुइयां खत्म हो जाएंगी, जब स्विच ऑन करेंगे वो सारा डिजिटल हो जाएगा। लेकिन टोयोटा और वॉल्वो इनका ट्रक बिकता है, उनकी कारें बिकती हैं, ये अपना इंटीरियर चेंज नहीं करते। ये दो टैंकी होते हैं इनके पास में डीजल के, एक ये एक वो लगा हुआ बड़ा वाला टैंक, ये ड्राइव वैन है इनकी भाई। कब कभी ट्राला काटने की जरूरत पड़ती है, कुछ हो जाए, पासिंग खत्म हो जाए और कंपनी के पास लोड हो, फिर बोलते कि दूसरा ट्रेलर डाल के जाओ, नहीं तो हमेशा पक्का फिक्स यही रहता है। इतना टाइम छुट्टी नहीं जाते, इतना टाइम आपके पास रहेगा। अगर आप जानबूझ के बाजी को पूछ रहा हूँ कि पारी अभी यहाँ पे ये भाई अपना काम करता है, मैं भी ऐसे ही था, 6-6 महीने कभी मैंने ट्रेलर कट ही नहीं किया, इंजन की कोई प्रॉब्लम आ गई है
तो फिर इसको रास बोलते हैं यहाँ पे, यूनिट नहीं बोलते, रास। रास को निकाल के फिर अंदर वर्कशॉप में डाल देते हैं, फिर वहाँ पे काम चलता रहता है इसका। रफ आइडिया कितनी सैलरी हो जाती है अगर सऊदी अरब चलते हैं तो महीने की, जेन्युइन तरीके से? एवरेज लगाए तो जनाब ऐसा है कि कभी 3-4 ट्रिप लग जाते हैं, कभी 2 लगते हैं, तो एवरेज मेरे हिसाब से 3500 तक निकला। बहुत ज्यादा यार, बेसिक थोड़ी हमारी कंपनी अच्छी है, इनकी बेसिक 2000 है। हमारी कनाडा की तरह नहीं है कि जितना ट्रिप लगाओगे जितने माइल्स निकालोगे उतने ही पैसे मिलेंगे, नहीं। अगर इनका सारा महीना कोई काम नहीं ना होता तो इनको 2000 दिरहम मिलेगा ही मिलेगा। इनका सीधा सीधा सिस्टम है, अगर सऊदी अरब गए तो 300 का, हाँ जी 300 का ट्रिप हो गया, थोड़ा आगे चले गए 400 का ट्रिप हो गया। पैसे थोड़े होते हैं लेकिन फिर इनकी मिला के सैलरी जो है वो 3500-4000 के पास में पहुंच जाती है। लेकिन इनको श्योरिटी होती है काम नहीं है, इनका कोई टेंशन नहीं, 2000 तो आनी आनी है, 2000 से अपना घर चलता है, 2000 से घर चलता है, लेकिन 2000 में बचता कुछ नहीं भाई। फायर एक्सटिंगशर की आपको बात सुनाता हूँ भाई, इसमें होता है वो सिलेंडर आग बुझाने वाला, देखो दो होते हैं ना ट्रेलर वाले के बंदे में पास में। मैं छुट्टी जाना था 2015 वाली, जब कनाडा गया यहाँ बाईपास रोड के ऊपर भाई रोक लिया, तब नए नए सिलेंडर लॉन्च हुए थे, बोलते थे कि उधर भी एक चाहिए उधर भी एक चाहिए, तो पहले हमारे पास एक होता था। ऐसे निकी सी बात के ऊपर कंपनी बताएगी तो हम रखेंगे, हमको किसी ने नहीं बताया। पुलिस वाला बोलता है कि भाई ये कानून है, अभी नहीं है, बोलता है 2500 दिरहम का मुखालफा, 0.4 जाते हैं 6 जाते हैं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है, ऊपर वाला नीचे उतर के आया भाई, वो मुखालफा मेरे लाइसेंस के ऊपर आज तक शो नहीं हुआ। मैं इंडिया चला गया, गाड़ी पास होगी पीछे से, ना गाड़ी का मुखालफा आया ना मेरा आया, मालूम नहीं कहाँ चला गया, लेकिन मेरे पास पर्ची भी थी। मोस्टली रोकते हैं ना आरटी वाले, तो सिर्फ सिलेंडर चेक करेंगे। ये किचन है? नहीं, ये शलाजा एक्स्ट्रा बर्फ डालने के लिए। इसमें बर्फ डाल लेते हो? इसमें बर्फ डालते हैं, अगर ज्यादा गर्मी आ गई इसमें फ्रिज रख, बर्फ डालेंगे, सब्जी वगैरह हम इसमें रखते हैं। एक ट्रिप का मतलब दो डालते, सिल्ली बोलते हैं ना उसको, सिल्ली डालते हैं, फिर इसमें लस्सी लुस्सी लगाई होती है, पूरा फ्रूट दूध की केनी वगैरह। इनके अंदर जो फ्रिज है मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ज्यादा सामान नहीं है, सामान नहीं ज्यादा। आपको लाइटें दिखाई देंगी वो पीली वाली, ये भाई के पीछे भी कहीं ना कहीं पक्की लगी होगी, लगी है भाई, ये देखो पीली वाली लाइट है ना, अगर आपने ब्रेक मारी ये वाली लाइट नहीं चलती, 500 दिरहम। बिल्कुल जनाब, 500 दिरहम। ये ट्रक के आगे छत के ऊपर भी एक लगी होगी पक्की, जुंड के आगे लगी होती वार्निंग लाइट बोल रहे हैं, वार्निंग लाइट है वो, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती जैसे रात हो गई। कोई भी ट्रक आपको दिखाई दे रहा है दूर दूर तक, तो पीली लाइट आपको दिखाई देगी। ये ना किसी ने बोला था कि अगर मैं जहाज में जा रहा हूँ तो मेरे को नीचे मालूम नहीं पता ट्रक कहाँ चलते हैं, फिर ऐसा कानून हो गया। ये भाई अगर फ्लाइट में उतरोगे ना दुबई में, पूरी दुबई में ऐसे लाइटें आपको दिखाई देंगी, और आगे वाली जो वार्निंग लाइट है ना उसका मुखालफा ज्यादा है, 2500 दिरहम का मुखालफा है भाई। शीशे से देखते रहते हैं कि जल रहा है, बाहर नहीं जल रहा है, खाली है अंदर से, खाली एयर बैग है भाई इसके भी उठे हुए एयर बैग, देखो भाई तेरे तो नहीं टायर जाम होते कभी? नहीं नहीं जनाब, मेरे कभी टायर जाम होते। अच्छा आपके लोड ही ऐसे होंगे, लाइट लोड हो गए ना, इसलिए सारे ब्रेक एयर बैग लगे हुए हैं आपके? हां जी, मेरा मैं ज्यादा से ज्यादा 20 टन तक ट्रिप लगाया, उससे ज्यादा नहीं। जिस कंपनी में मैं काम करता था ना, सिंगल डिफरेंशियल बोलेंगे यहां पे इसको, 4XL गाड़ी बोलते हैं ना, 6XL और 4XL बोलते हैं। 6XL जुंट होती है, 4XL जुंट होती है। 4XL के ऊपर मैंने 75 टन एक बार लोड कर लिया था, लेकिन हमारी कंपनी में सारे स्प्रिंग ही होते हैं, मतलब कमानियां होती हैं। वैसे सऊदी को कितना वजन लेके जा सकते हैं? मैं देखता था पहले 16 बंडल, कोई 15 बंडल, कुछ 15 बंडल होते हैं स्टील के, 2 टन का एक बंडल होता है, प्लस गाड़ी का वजन डाल के उनका इतना ही होता है मेरे ख्याल में। ये हमारा घर अंदर होता है रास के, इनका घर थोड़ा बाहर भी होता है, ये देखो पानी के टैंक लगाया होता है इन्होंने, मैंने देखा है। चलो हमारे ट्रकों में नहीं था, मैं सऊदी में नहीं गया, ये क्या करते हैं यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे पानी मिलता है, फिर साथ में ट्रेलर लगा के पैप डाल लेते हैं उसमें, फिर उसको भर के लेके जाते हैं वहाँ पे। कितने पैसे लगते हैं बर्फ की सिली जब मिलती है? बर्फ की एक सिली 10 दरम की है, और एक 10 दरम का ड्रम भरता है, फुल करके देते हैं। होटल वाले भरते हैं, कहीं भी कोई ऐसे पाकिस्तानी मोस्टली होते हैं, उनके पास खुद का टैंकर होता है, वो भर के देते हैं, नहीं तो पंप में जिधर हम ग्रोसरी में सामान डालते हैं वहाँ से। खाने पीने की बहुत मौज है, सब कुछ हम तो खाने पीने से टूटे रहते हैं भाई। हमको बस भाई टिम मॉडर मैकडोनल्ड रास्ते में ज्यादा मिलता है, पंजाबी ढाबे हैं लेकिन मालूम नहीं कुछ तो कमी है मसालों में, या तो मिलावट करके बेचते हैं कनाडा में या क्या चक्कर है भाई। नहीं बात बंद, ये किचन है ना जी भाई, खोल दूं? खोल दीजिए, खुल दो कि थोड़ा टायर्ड होगा जी। क्या बात है यार, वो मैंने बंदे देखे हैं ऐसे बैठे होते हैं ऐसे, यहाँ पे आटा गूंद के रखा होता है, हाँ जी। दे वेलने पे वेला चलाते हैं भाई हमारे बंदे जो होते हैं, ये चखना होता है ड्राइवर लोगों का। बिल्कुल, यहाँ पे रात हो गई वहाँ पे चखना चलता है फिर इनका। हाँ भाई कितनी चाय? 2 कप लगा दीजिए। 2 बंदे और भी हैं, 3 बड़ा 4 कर देते हैं। सिलेंडर फिर कहाँ लगा हुआ? सिलेंडर भाई बैक साइड नीचे बाहर फिट किया हुआ है। हाँ जी। लाइट है? है तेरे सर के किया हुआ है कोई? देखो क्या बात है यार, ये हुई ना बात। हाँ भाई बताओ, मूंगी मछली चढ़ाएं? ये भाई टूल बॉक्स होता है, कूलर वगैरह रखते हैं या कुछ वैसे फेरी वगैरह साबुन वगैरह अपने नहाने के लिए। केले फ्लैट चलाते हैं ना भाई, ये केला फ्लैट चलाते हैं, उनके पास में बड़ा सामान होता है। मेरे पास फ्लैट था ना, जाली, फिर हदीद बड़े वाले छोटे वाले, फिर बेल्टें, चेने, एम्बर लाइट चल रही है ऊपर, एम्बर लाइट। वाहेगुरु बोल के बारी खोल के, बारी खोल के वाहेगुरु बोल के उल्टा हो गया। अगर जिंदगी में मौका मिला तो भाई मौका छोड़ेंगे नहीं। ये इसकी होती है पीले वाली, ऐसे बाहर निकाल के ऐसे छोड़ते हैं भाई लोग।
वाहेगुरु बाबा जी। हमने पहले भी मत्था टेका हुआ है, वीडियो में भी टेकना पड़ता है। पीछे देखता हूँ मैं तो ऐसा लगता है कि ये नहीं आएगा, लेकिन छोटा सा ही है। बैक गियर भाई, बैक गियर, बैक लगाने का हमको पहले ही ज्यादा मालूम नहीं है। चल भाई कार वाले, हम जा सीख रहे हैं। वो पहला बैग गया भाई, गियरों का मसला हो गया। बड़ा टाइम हो गया ना अभी, इसलिए हाथ नहीं टेका। एक दो तीन, ये साइड में इसके स्विच लगा हुआ है। जब स्विच डाल दिया तीन में से निकल के चार वाली जगह में ही बाकी गियर चार पांच छह, यहाँ पे कोई आरपीएम के साथ में गियर नहीं पड़ रहे भाई। थोड़ी सी रेस बढ़ाओ, गियर पड़ते जा रहे हैं। फ्लैशर बंद किए, ये इनकी ब्रेक है। आप भाई बहुत मजा आता छड़ने का करके। ये लाइट भाई आपकी बहुत पसंद आई, देखो लाइट कितनी अट्रैक्टिव। इसको अपने हिसाब से थोड़ी कटा भी सकते हैं, ऐसे थोड़ा ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लग्जरी नहीं है भाई, दुबई भी लग्जरी है। देखो भाई फ्रिज दिखाओ, फ्रिज बंदों ने फ्रिज नहीं देखी होगी। गूगल तो मिली हुई है कि छोटी सी फ्रिज है, इसके अंदर कुछ वैसे हम लोग जूस वगैरह या कुछ भी रखते हैं बना के। ये फ्रिज है, इसमें रख सकते हैं ना। जी जी, बाकी अगर आपको बड़ा सामान होता है वो आप फिर पीछे रख लेते हैं। ये हमारे काटने पड़ते हैं, करते हैं आगे सारा वो बंद हो जाता है। हाँ, ये मेरे को सिस्टम मालूम है। ये ऊपर वाला भी बेड है कि दो बंदे सो सकते हैं? सो सकते हैं आराम से। हाँ हाँ, थोड़ा पूरा कंफर्टेबल थोड़ा कम है लेकिन सो सकते हैं। क्या बात है यार भाई, आराम से सोएगा बंदा यार। ऊपर इसके वो बॉक्स लगे हुए हैं, ये भी एक बॉक्स है, वो भी बॉक्स है। अरे है काम की चीज भाई, इसको बंद कर दो, सारी ट्रक ट्रेलर दोनों बंद। ये भाई का हमने नाम डाल दिया ग्रीन वॉल्वो वाला भाई। एक आध भाई तुमको मिलेगा बाद में भाई, या बॉर्डर पे या कहीं पे भाई। ये ट्रक ऊंचा बहुत है देखो वो। ये भाई रिमोट था ना उसका? हाँ जी भाई, ये भाई एयर बलून के एडजस्टमेंट के लिए। एयर बैग, हाँ जी बलून बोलते हैं हम लोग। बलून उठा लो, बलून गिरा दो। एयर बैग जो इनके रिमोट लगा हुआ है, यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं। ट्रेलर का लगे, उसका अलग से हैंडल लगा हुआ है। उठाओ, अभी स्विच कट की हुआ तो इससे साथ हवा नहीं बनेगी, पूरी काम नहीं करेगा। सस्पेंशन हाइट बोलते हैं उसको, सस्पेंशन हाइट। ये भाई साहब इसको बलून बोलते हैं, हम इसको एयरबैग बोलते हैं। टी आई आर की प्लेट का क्या मतलब है? ये भाई कुछ कंपनी अभी लगाती है, एमरजेंसी लोड होता है ना कि हम पैसे लगते हैं इसके, लगते थोड़ा ज्यादा लगते हैं दूसरे में, थोड़ा 200-300 वर्ड लगता है। तो कंपनी पे करती है कि हमारा बंदा फंसे ना। इसका फायदा क्या हो गया? लाइन में लगना पड़ता है, वैसे लाइन में लगना पड़ता है। अगर ये लगी हुई तो सीधा कैमरा करो, सीधा जहाँ पेपर मिलते हैं वहाँ पे जाओ, तो आप 2 घंटे में बाहर निकल जाओ, 3 घंटे में बच जाओ। कितना टाइम लगता है वैसे नॉर्मल के बगैर? अभी रश चल रहा है तो बंदे को 1.5 दिन भी लगता है, 1 दिन, 2 दिन भी, 1.5 दिन भी। अगर ये लगा हुआ फिर 3 घंटे में हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन अभी बॉर्डर पे रश कम होता है? रश कम होता है, फिर भी 9 घंटे लगते हैं हर एक बंदे को। 9 घंटे जब से दुबई आए अरबी बोर्ड के नहीं देखी भाई, केवल हाल तमाम। अभी कोई बंदा मिला ही नहीं यार, थोड़ी बहुत अरबी तो घोटेंगे हम भी। भाई स्पीड कितनी होती है ये वाले हाईवे के ट्रकों की? इस पे भाई अबू धाबी जब स्टार्ट हो जाता है तो 80 की स्पीड है। जब तक यूएई में रहेंगे भाई 80 की स्पीड है, पहले भी 80 की थी, लेकिन भाई जो मौजूदा ड्राइवर है उससे पूछना जरूरी है। जब सऊदी में घुस जाते हैं फिर कितनी हो जाती है? जनाब अपने डिपेंड करता है कितने जल्दी में हमें पहुंचाना है। 105 पे 110 पे भी जाते। ये भाई कैंप की जिंदगी, यहाँ पे एक रूम में 2, 4, 6, 8, 10, 12 यहाँ पे 12-13 बंदे सोएंगे। ये फिर भी बहुत अच्छा रूम है, ये फिर भी बहुत अच्छा है। इसमें अटैच बाथरूम है और इनका वॉशरूम भी साथ में ही है। जो मेरे वाला कैंप है ना, जब तू वो देखेगा ना तू बोलना कि ये जिंदगी कहाँ जी के गए हो भाई। लेकिन फिर भी जिंदगी ने हमको बहुत कुछ दिया है। रात को जब थोड़ा सा अंधेरा होता है ना, ऐसा ऐसा कर्टन लगे होते हैं भाई, अपने ही कर्टन होते हैं, जो अपना चादरा होता है नीचे लगाने वाला उसके कर्टन होते हैं ऐसे ऐसे। और बातें पता कैसे करते हैं घर में? हेलो कैसे हो, ठीक ठाक भाई? इधर ना किसी की यूट्यूब चल रही है, कोई कुछ कर रहा है, ये जिंदगी है भाई यहाँ की। ये बोल रहा था मैंने भाई पैकेज लेके घूमना था, टूर करना था दुबई का। टूर करने वाले बंदे जबल अली से उस तरफ वाली साइड में और शारजा जमान से इस तरफ वाली साइड में, किसी भी कंपनी के पास चले जा तेरे को टूर में ये वाली चीज देखने को नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनाई है ना, ये उन लोगों का घर है। यहाँ पे हम घूमते हैं पैसे दे के, नहीं मैं तो नहीं बनाई, इन बंदों ने बनाई जो यहाँ पे रह रहे हैं। जो मेरे वाला कैंप है ना मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा अगर मेरे को चांस मिला तो। 200 बंदा और 6 वॉशरूम। आई एम फ्रॉम युगांडा। युगांडा, व्हाट आर यू डूइंग हियर?
ये जिंदगी ऐसी है भाई, यहाँ पे हर एक कम्युनिटी का बंदा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यू कैन सी एवरी टाइप ऑफ पीपल इन वन रूम। भाईचारा बोलते हैं और इसको जिंदगी बोलते हैं। ये भाई ऊपर वाला बेड लोड हुआ है हमको आज। हनी तेरा कौन सा है? नीचे वाला। ठीक है भरा। ओके भाई, मजा आया यार, मिल गए हैं। काफी टाइम अपना निकाल के हमको दिया है आज। देखेंगे ना, बहुत सपना कह लो पूरा हो गया अपना। तो वीडियो दे नहीं नहीं मेरे खास कर दी बहुत हाडे वास्ते, पर ओदा बंदे तुम बहुत डाउन टू अर्थ है ना, चल पता लग गया अज जिदा हाडे नाल बैठ रोटी पानी खादा है, वधिया लगा भाई। हनी बेचारा दो बार सो के उठा है। चढ़दी गला भाई, चढ़दी गला जी। ये भाई दुबई का सबसे महंगा एरिया पाम जुमेरे के अंदर, रात की लाइटिंग देखो भाई, अटलांटिस का रात का व्यू देखो। ये भाई अभी पानी के नीचे टनल में, दुनिया की कोई भी गाड़ी देखनी है ना, दुनिया की कोई भी गाड़ी, जुमेरा रोड है ये, जुमेरा रोड। रात को इस टाइम के ऊपर आ जाओ भाई, दुनिया की हर एक गाड़ी आपको हर एक सेकंड में दिखाई देगी। हमने मेरे ख्याल कम से कम 40-50 जी वैगन देखी और पागल हो रहे हैं पागल। डिफेंडर, डिफेंडर पेट्रोल, लेक्सस पेट्रोल, टैक्सी टैक्सी अपनी भी लगी हुई है भाई, एलसी। कैसा सवाल है नहीं चाहेगा? बहुत स्वाद, मिट्टी जैसा। कभी दुबई में आओगे या आए हुए हो भाई, हमको तो ये सबसे बेस्ट रोड लगता है। जैसे मैं रोज आता हूँ, लेकिन मजाक कर रहा हूँ। इस रोड के ऊपर मैं ट्रक लेके बहुत आया हूँ, मेरे को मालूम है, डिलीवरियाँ की है मैंने, तो उस टाइम के ऊपर खड़े नहीं हो सकते थे। अभी अपने पास कार है, दिल करता है खड़े हो जाते हैं, दिल करता है चल पड़ते। होटल का अभी तक कुछ मालूम नहीं है भाई साहब ने, कुछ रही नहीं किया आज, और रात के 12:10 हो चुके हैं और हमको अभी समझ नहीं आ रहा कि होटल लें या गाड़ी में सो जाए। रात के 1:40 हो गए भाई, होटल बड़ी मुश्किल से मिला, लास्ट वाला रूम है, जो भी मिला हमने उठा लिया भाई। इतना थक गया ना आज, 8 उठी हुए नहीं, सुबह के 8 उठी हुए, रात के 2 हो गए, 18 हो गए। ठीक है यार, अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि जैसे क्या चीज देखनी दुबई में, अगर हमारे रेंज में वो हुई जहाँ हम दिखा सकते हुए, तो हम आपको डेफिनेटली उसका सिस्टम बता देंगे। वही बात होती है रोज की यार, लाइक जरूर किया करो, अच्छा सा कमेंट कर देना, और अगर चैनल के ऊपर नए बंदे आए मिलते रहेंगे, अगर चैनल के ऊपर नए बंदे आए सब्सक्राइब कर लो भाई, मिलते रहेंगे ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो में। टेल देना अपना अपना ख्याल रखो, रब रखा। हनी की बैटरी तो 1 पहले डाउन हो गई थी, मेरी भी बैटरी डाउन है, बस अभी हमने कंबल ओढ़ना है, सो जाना है, और कोई काम नहीं, कुछ खाना पीना नहीं है, बाकी सब सुबह देखेंगे यार। बाय बाय।